शादी का एक्सपेरिमेंट करना चाहती हूँ, सोचा तुमसे ही कर लूं। तुम बदतमीज और आवारा हो, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। तो फिर भुगतो, क्योंकि जब मैं एक बार ठान लेती हूँ तो उसे बदलती नहीं। और जॉर्ज, आई हैव चेंज्ड माय माइंड। अब तुम भुगतो। ये तो वक्त ही बताएगा मिस्टर डेविड। यू ही 5 फरवरी से इतवार शाम 8 बजे। जो प्यार करते हैं ना नाराज नहीं होते, जो नाराज होते हैं समझो प्यार नहीं करते। आप लोगों ने नया मुलाजिम रख लिया, वो कहाँ गया, क्या नाम था उसका, अकबर? कैसा रहा सफर यार? एक्सक्यूज मी, वो आप चाबी देना भूल गए थे। ये लो। मैं पूछ रहा था फ्लाइट कैसी रही तुम्हारी? यार बेहतरीन फ्लाइट थी, पता नहीं क्यों लोग लॉन्ग फ्लाइट से घबराते हैं, बट आई लव लॉन्ग फ्लाइट्स। मैं तो सोते हुए आता। क्या बात कर रहे हो यार, घबराते तो हम जैसे इकोनॉमी क्लास वाले, तुम्हारे जैसे कोई बिजनेस क्लास वाले थोड़ी। अरे बेटा कैसी बातें कर रहे हो। अच्छा फरदीन ये बताओ ना, तुम्हारा क्या प्लान है हनीमून का? तो मुझे बता रहे थे कि अजमिया को लेके जाना है तुमने कहीं। भाई उजमी को तो मैं हनीमून पे वर्ल्ड टूर पे लेके जा रहा हूँ। क्यों नहीं, लेकिन उससे पहले तुम्हें इन सब के सामने एक वादा करना है कि तुम मेरी अजमिया को बिल्कुल भी तंग नहीं करोगे। अरे मैंने कब तंग किया है, ये क्या कह रही है तुम्हारी खाला? अरे कैसे तंग नहीं करते, मैंने खुद देखा है तुम्हें छोटी छोटी बातों पर इसे प्रेशराइज करते हो, बहुत बुरी बात है। और हाँ, अमेरिका में जैसे काम चल रहा है ना वैसे ही चलता रहेगा, मेरी अजमिया कोई काम नहीं करेगी बस। अरे मम्मी आप क्या कह रही हैं, मैं ऐसे कैसे चलेगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बेटा, अजमिया ने ही तो वहां जाके सब कुछ संभालना है ना। अरे छोड़ो भाई, अजमिया फरदीन को संभाल लेना बस यही काफी है। अच्छा ये बताइए कि मुराद भाई की फ्लाइट कब है? वो बस जुमे की शाम तक इंशाल्लाह। अच्छा इंशाल्लाह। अच्छा अरे तुम दोनों बैग्स क्यों ले आए, बड़ा वाला थोड़ी लाना था बस छोटा। ऐसा करो इसको वापस रखो। ठीक है मैं वापसी ले जाता हूँ ये। पहले ही बता देते ना तुमसे। याद नहीं रहा, भूल गया। अरे कोई बात नहीं, इट्स ओके। अरे वो चाबी यही भूल गया, चाबी मैं दे आता। बेटा चाय का कोई इंतजाम कर लो। जी जरूर, आप सब बातें करें, मैं अच्छी से चाय बनाऊं। हाँ अभी अमेरिका से ईंटें लाया क्या? बॉस 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 वेट, यहाँ पे पूरा हाउसफुल है, मैं अजमिया से मिल नहीं पा रहा हूँ। एक काम करो उसको अंदर जाके बाहर बुला दो। मैं बुला दो? हाँ इसीलिए तो मैं बाहर आया हूँ, कोई भी बहाना करके किसी काम का कहके बाहर बुला लो। सॉरी मैं नहीं बुला रहा। ए तुम नखरे क्यों कर रहे हो? ओके काम करो, गिव दिस, जाओ बुला के लाओ। देखने चाहिए मेरे को। एक मिनट, व्हाट्स योर प्रॉब्लम, तुम भाई हो क्या उसके? मैं मंगेतर हूं उसका, और इतनी दूर से मैं उससे शादी करने के लिए आया हूं। जितना तुमसे कह रहा हूं उतना करो, जाके बुला के लाओ उसे। मेरी शक्ल क्या देख रहे हो फरदीन? कहाँ रह गए हो, सब अंदर बुला रहे हैं तुम्हें, चलो। थैंक गॉड तुम आ गई हो। कितनी खूबसूरत लग रही हो तुम। सुनो ये चाबी रखो और ये गाड़ी में रख देना। चलो मम्मी बुला रही हैं। अरे बुलाने दो ने, रुको ना। दिल कर रहा है सिर्फ तुम्हें ऐसे ही देखता रहूं। तुम मेरी हो ना? ओ ये तुम्हारा शर्माना,
चलो मेरे साथ। कहाँ? नहीं जा सकती, समंदर है, क्या सोचेंगे? चलो अंदर। तुम्हें सारी दुनिया की परवाह? मैं इतनी दूर से सिर्फ तुम्हारे लिए आया और तुम्हारे ये नखरे खत्म ही नहीं होते। फरदीन प्लीज समझो ना। क्या समझूं? मैं उस दिन भी तुम्हें कह रहा था ना, हमें शादी नहीं करनी चाहिए। Forget about it, यार। अरे छोड़ो यार। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। नहीं प्लीज, मुझे तुम्हारा एहसान नहीं चाहिए। मेरी एक बात याद रखना, मुझे लड़कियों की कमी नहीं। आई एम हियर बिकॉज़ आई एम इन लव विद यू। तो मुझे पसंद हो इसलिए मैं तुम्हारे लिए आया। मुझे पता है, सब लोग अंदर बैठे हैं, क्या सोचेंगे, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगा। बात दरअसल ये है कि तुम्हें मैं अच्छा नहीं लगता हूँ। सारा मूड ऑफ कर दिया तुमने मेरा। मैं मम्मी को लेके वापस जा रहा हूँ। फरदीन प्लीज, वरना मैं रो दूंगी। प्लीज ऐसे नहीं करो। अच्छा ठीक है, तुम चलोगी मेरे साथ? ठीक है, मैं चलूंगी। बगैर इजाजत लिए? हाँ। और मैं जो कहूंगा वो करोगी? चुप क्यों खड़ी हो? जो मैं कहूंगा वो करोगी? जैसे यस। गुड गर्ल। वो अंदर से कॉल आई है, आपको बुला रहे हैं। जा रहे हैं? हाँ जी जी, मिल गए, ये गेट के पास है, अंदर आ रहे हैं बस। लगा है कुर्सियां? देख भाई, मेरी बात जितनी भी बुरी लगे, लेकिन एक बात याद रखना, क्या आखिर में आशिक ही कुर्सियां लगा रहा होगा? बकवास बंद कर अपनी। कुर्सियां लगाने नहीं गया था मैं, कपड़े देने गया था। अच्छा, आज अम्मा नहीं आई तो तुझे मौका मिल गया बकबक करने का। शायद तू भूल रहा है कि नादराबाजी की शादी तक जो है ना, तू अकेले ही यहाँ पर आएगा। खाला बिजी होंगी तो तू तब तक किसी तरह दिमाग शार्ट करता रहेगा। और क्या, देख भाई, लैला मजनू की कहानी में पत्थर मारने वाले का भी अहम करैक्टर होता है। क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट करैक्टर। छोड़ बे, कम से कम लैला मजनू को चाहती तो थी। यहां तो मैं मर भी जाऊं तो उसको पता नहीं लगेगा मैं उसके पीछे कितना पागल था। हाँ, यक तरफा प्यार करने वाले की बात ही कुछ और होती है। बेटा तेरे को हुआ ना यक तरफा प्यार, फिर तेरे को पता लगेगा कैसा लगता है। कभी तो एक ही साथ एक ही लम्हे में खुश हुआ है और रोया है। मेरे साथ हुआ है ऐसा, जब मैंने अजमिया को उसके साथ खुश देखे, मेरे को पता है वो गड़े में कूद रही है और मैं कुछ नहीं कर सकता। अबे कोशिश कर रहा है ना, करता रहे, अल्लाह मदद करेगा। ये अल्लाह मियां तो करेंगे मदद, पर मैं क्या करूं? मेरे पास तो कोई लॉटरी का टिकट भी नहीं है जो बैठे बैठे करोड़पति बन जाऊं, और बन भी गया तो क्या फायदा। उसको बहुत चाहती है यार। जकी, मेरे दोस्त, मेरी जान के टूटे, क्यों सीरियस ले रहा है तुझे? मैं कब से हंसाने की कोशिश कर रहा हूं और तू मुंह फुलाए बैठा है। आज जैसे वो बात कर रहा था ना अजमिया के साथ, मेरा बस नहीं चल रहा था एक उल्टे हाथ की लगाऊं उसको। वो पागल है यार, उसे नजर ही नहीं आ रहा वो किससे शादी कर रही है। और आज अगर मैं नहीं रोकता तो वो चली जाती। हाँ तो चली जाती तो क्या होता? पता नहीं क्या होता, कुछ भी सही नहीं हो रहा यार। देख दोस्त, अच्छी तरह जानता है कि तेरा सीन उसके साथ नहीं हो सकता है ना? हाँ, फिर तो फिर क्या, जाके समझा ना उसे। अबे नहीं सुन रही ना मेरी बात वो। अरे नहीं सुनेगी तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, अपनी जूती उठाएगी मारेगी ना तुझे।
लेकिन एक बात याद रखना कि चंद साल बाद जब तू पीछे मुड़ के देखेगा ना तो तुझे इत्मीनान होगा कि तूने कोई कसर नहीं छोड़ी है। सोच मेरे दोस्त, सोच। अम्मी, आराम। अम्मी, बस। हाँ बेटा, यहाँ हूँ किचन में। अम्मी, भाभी अपने किसी दोस्त को बुला रही है मुझसे मिलवाने के लिए और 10 काम पड़े हैं, मैं नहीं मिल सकती अभी उनसे, आप जाके मना कर दे। हाँ तो बेटा उन्हें बोलो कि शाम वगैरह में किसी टाइम पर आ जाए ना। अम्मी वो नाराज हो जाएंगी मुझसे, प्लीज किसी भी वक्त आती होंगी, आप प्लीज जाके मना कर देना। अच्छा बाबा कहती हूँ, हट। जकी बेटा वो पानी की मोटर खराब हो गई है, जरा उसे देख लो, अगर ठीक ना हो ना तो बेटा तुम अकबर से कह के इलेक्ट्रिशियन को बुलवाओ और उसे कहो कि ठीक करवा दे, ठीक है? खुद नहीं मना कर सकती थी? मुझसे कह रहे हो? और नहीं तो क्या, इतनी बड़ी हो गई हो, अम्मी ने इनकार करना सिखाया नहीं? तुम कौन होते हो बोलने वाले? बॉस अब किसी ना किसी को तो सिखाना पड़ेगा ना, वरना तुम तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर दोगी। ऐसे इनकार करना कोई बुरी बात नहीं होती। अभी शिकायत करती हूँ जाके तुम्हारी। हाँ तो कर लो शिकायत, अपना नुकसान कर लेना, कुछ सीखना ना। तुम हमारे रिश्तेदार नहीं हो जो मुझे समझाओगे, हमारे घर में हो इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे हर मामले में बोलोगे तुम। देखो बॉस, तुम मानो या ना मानो लेकिन सच्चा दोस्त है तुम्हारा, और सच्चा दोस्त हमेशा सच बोलता है चाहे अगले को कितना ही बुरा क्यों ना लगे। भाभी को बुरा ना लग जाए इसलिए अम्मी को काहे जाके मना करने को, वरना मैं किसी को भी नो कह सकती हूँ, समझे? फरदीन को तो नहीं बोला? व्हाट? फरदीन को तो नो नहीं बोला था तुमने? वो तुम्हें कल कहीं लेके जाना चाह रहा था, तुम नहीं जा रही थी, याद आया? हाउ डेयर यू, तुम हमारी बातें सुन रहे थे? ऐसे ही बॉस, बिल्कुल ऐसे ही बोलते हैं, हाउ डेयर यू। जब आपको कुछ ना करना हो ना काम तो इसी तरह मना करना चाहिए, और सिर्फ अपने ऐसे कमतर को नहीं बोलते बॉस, जो आपकी बराबरी का हो ना या आपसे भी बड़ा हो उसको भी इसी तरह बोलते हैं, हाउ डेयर यू। पैसे क्या देख रही हो बॉस? देखो तुम्हारे को नहीं जाना था ना उसके साथ, तुम्हारे को लग रहा था कि कुछ गलत है, अच्छा नहीं है, तो ना तो करना बनता था ना बॉस। ना करना सीखो, फायदे में रहोगी। वो पानी की मोटर मैं चेक करके आता हूं, आंटी ने बोला। ठीक कर दिया मोटर मैंने, इलेक्ट्रिशियन बनाने की जरूरत नहीं है। यही रख दो, अकबर से रखवा दूंगी अंदर, और जाओ यहां से दोबारा मत आना, और मुझसे बात करने की कोशिश भी मत करना आज के बाद। जान बचाई थी इसलिए लिहाज करी हूं, वरना मैं। हाँ तो क्यों करा लिहाज, नहीं करना चाहिए था? लिहाज ना सिर्फ घर वालों के साथ किया जाता है, उसके साथ नहीं तो ज्यादा सर पे चढ़ रहा हो। मेरे को लगा तुम सैंडल उठा के मेरे सर पे मारोगी इसलिए वहां से निकल लिया, उल्टा तुम लिहाज करने लग गई। मेरी अम्मी ने मुझे बदतमीजी नहीं सिखाई है, समझे? अबे हटाओ इस तमीज को, तुम जैसी लड़कियां जो है ना तमीज के चक्कर में अपनी जिंदगी मुसीबत में डाल लेती हो, तो फिर मेरी क्या बैठी होगी, तो तुम्हारे लिए वहां पे नो कहने कौन आएगा? अम्मा आएंगी, भाई आएगा तुम्हारा। हर बार अपना दिल मार के अगर उसको खुश करोगी तो खुद कैसे खुश रहोगी, और अगर खुद खुश नहीं रहोगी तो उसे कैसे खुश रखोगी? पूरी लाइफ गुजारनी उसके साथ, मालूम है ना, 60-70 साल, क्या पता मेरे को 80 साल, इसी तरह सोरियां बोल बोल के गुजार लोगी। अभी रख दूं ये? क्या हुआ है, मेरी बेटी का मूड क्यों ऑफ है? कुछ नहीं। कुछ तो है, बोलो क्या बात है? निगस से झगड़ा हुआ है क्या? नहीं। तो फिर क्या हुआ है बेटा? एक बात बताएं, आप हमेशा कहती हैं कि लड़कियों को मुस्कुराते रहना चाहिए, अदब और तहजीब से पेश आना चाहिए, कभी किसी से बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर ये सब करने का दिल ना चाह रहा हो तो बेटा
लोग उसे बदतमीज कहेंगे, कोई उसे पसंद नहीं करेगा, सब कहेंगे कि माँ ने तमीज नहीं सिखाई। रश्मिया बेटा, ससुराल में ना 10-10 बातें बर्दाश्त करनी पड़ती। मैंने नहीं की, मैंने क्या क्या नहीं बर्दाश्त किया, बल्कि अब तक कर रही। कीवर्ड बर्दाश्त है, बर्दाश्त। मतलब कि अगर दिल ना चाह रहा हो तब भी इनकार नहीं करना चाहिए। हाँ बेटा, शुरू शुरू में लड़कियों को बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। लेकिन अगर मैं दूसरों की बात मानती रही तो मैं खुश कैसे रहूंगी, और अगर मैं खुश ना रही तो दूसरों को खुश कैसे रखूंगी? मेरी जान, दूसरों की खुशी को अपनी खुशी समझना चाहिए। अब एक बात बताओ, फरदीन अगर कहे कि कहीं जाना है तो तुम क्या इनकार कर दोगी? तुम तो इनकार करके खुश हो जाओगी, लेकिन फरदीन तो नहीं होगा ना? नहीं ना, वो तो यही कहेगा कि हर वक्त ये लड़की नखरे करती रहती है। ये कोई अच्छी बात तो नहीं है ना बेटा, इसलिए तुम्हें उसकी बात मानना चाहिए। अपने घर को ही देख लो, वो भले हमारे साथ जैसी भी हो लेकिन हसन की हर बात मानती है वो। तभी तो हसन भी उसके आगे पीछे घूमता है। बेटा, अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए ना यही तौर तरीके अपनाने पड़ते हैं। आजकल की लड़कियां ये बात समझती नहीं है, इसीलिए तो इतनी तलाकें हो रही हैं। चलो ऑटो चलते हैं। कहाँ जा रहे हैं? वो हाजरा की बेटी की शादी में जाना है ना, अब बस थोड़ी देर बैठ कर फिर आ जाएंगे। कैसे जा सकते हैं, मैं तो तैयार ही नहीं हूँ। तो बेटा मैं कौन सा तैयार हूँ, हम कह देंगे कि सीधा बाजार से आ रहे हैं और उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि हमने क्या पहना है क्या नहीं। वो बेचारे तो खुश हो जाएंगे कि हम उनकी शादी में आ गए। चलो शाबाश उठो। नहीं प्लीज, आप चले जाएं, मुझे घर छोड़ जाएं प्लीज। फिर वही बात, अभी समझाया है ना मैंने तुम्हें, बात सुननी चाहिए, कुछ सोच के कह रही होंगी ना मैं। हाजरा का बेटा हमारी कितनी मदद करता है, बदले में हम उसके लिए इतना तो कर सकते हैं ना। चलो सिद्ध नहीं करो, मैं बैग लेकर आ रही हूँ, चलते हैं। ये देखें, इस तरह मैंने शादी का रूम डेकोरेट कराना है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना। अब इसमें देखें कि व्हाइट फ्लावर्स में, लेकिन उज्मी को पिंक फ्लावर्स पसंद है, तो मुझे बताएं ये पिंक फ्लावर्स में कैसा लगेगा, व्हाट डू यू से? मैं देख रही हूँ, जब से तुम आए हो सिर्फ अज़मिया के बारे में ही बात कर रहे हो। अरे भाई, अपनी मम्मी से इतने दिनों के बाद मिले हो, कुछ अपनी अम्मा पर भी ध्यान दे लो। टिपिकल सासों वाली जेलसी स्टार्ट हो गई, आपकी जगह कोई ले सकता है, एंड यू नो हाउ मच आई लव यू। आई नो। तुम और अज़मिया शॉपिंग के लिए जा रहे थे अभी? भाई खाला उसको किसी शादी में लेके जा रही है, तो प्लान कैंसिल। ओह चलो, फिर तुम घर पर हो तो जरा अपने डैड की हेल्प करवा दो, शादी के बहुत सारे काम है, कुछ फॉलो अप ले लो, उन्हें कुछ जरूरत हो, कुछ काम करवाना हो। बिल्कुल नहीं, डैड इज सो बोरिंग, आज नहीं। क्या हो गया तुम्हें, ऐसे नहीं बोलते। मुझे ज्वेलर के पास जाना है, मैं आती हूँ। प्लीज अब इस तरह तो मत जाए। अरे अरे, मुझे ज्वेलरी पैक करनी है आज सारी। आइए ना, आइए आंटी, इधर। ए आप थोड़ी देर के, माफ करें, थोड़ी सी जगह कर दे रहे। आइए आंटी बैठे प्लीज। शुक्रिया। हाँ जकी बेटा, इसकी जरूरत नहीं है, हम ज्यादा देर बैठ नहीं पाएंगे। दरअसल हम अभी सिर्फ बाजार से ही आ रहे हैं ना, तुम्हारी अम्मी और नादरा कहाँ हैं, उनसे मिल लें। ऐसे ही ऐसे आंटी, आप खाना तो खा के जाएंगे ना? नहीं बेटा, खाने का भी तकल्लुफ करने की जरूरत नहीं है, खाने के लिए हम मेरी बहन की तरफ जा रहे हैं। तुम बस ये बता दो नादरा और तुम्हारी अम्मी कहाँ हैं, हम मिल लेते हैं। जी आंटी, वो मैंने अम्मा को तो बोल दिया था आ रही हैं, वो नादरा कमरे में है, मैं मिलवा देता हूँ आपको। रश्मिया तुम बेटा जाके नादरा से मिल लो, मैं हाजरा से मिल लेती हूँ। हाँ आई बॉस, मैं आपको नादरा से मिलवा देता हूँ। आंटी आप बैठी ना। हाँ आई बॉस। हाँ जी बॉस। अरे ये मिली नादरा कहाँ गई? सामने कमरे में गई है, बस आती हूँ। अच्छा चलो। वैसे बॉस मेरे को बहुत खुशी हुई कि आप आए, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप आओगे। क्यों, हमने तो वादा किया था। वो तो है, लेकिन आप बड़े लोग और हम तो छोटे से लोग हैं। आंटी ने इतने प्यार से बुलाया था, क्यों नहीं आते हम?
थैंक यू बॉस। ऐसे बॉस याद बढ़िया आएगी आपकी। मैं भी यही सोच रही थी कि मुझे हाजरा आंटी की बहुत याद आएगी और तुम्हारी भी। जब भी कपड़े सिलवाने होंगे तो याद करूंगी मैं उनको। हाँ वही ना। अच्छा बॉस मैं आपको कभी मैसेज कर सकता हूँ वहाँ? मैसेज अमेरिका में क्यों? वैसे ही जैसे मेरे को कोई नया डिजाइन पसंद आए तो एक पुराने दोस्त की तरह मैसेज कर लो। आजकल इंटरनेट का दौर है, कोई भी डिजाइन चाहिए होगा मोबाइल पे निकाल लूंगी, भेजने की क्या जरूरत है। सकी वैसे हर चीज के लिए बहुत शुक्रिया, तुम्हारी सारी एडवाइसेस याद रखूंगी मैं। यही तो बॉस, यही तो दोस्तों का फर्ज होता है। देखो सकी, हम एक दूसरे के लिए अच्छे इंसान बन सकते हैं मगर अच्छे दोस्त नहीं बन सकते, प्लीज माइंड नहीं करना। अरे नादरा आ गई। ये अजमिया है। अच्छा 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 अच्छा, तुम हो अजमिया? हाँ क्यों? कुछ नहीं, वो तुम अकेली आई हो? नहीं नहीं, अम्मी के साथ आई हूँ, वो आंटी के साथ है ना बाहर। आपको बहुत बहुत मुबारक हो शादी की। शुक्रिया। अच्छा तुम बड़ी हो के और भी प्यारी हो गई हो, और तुम्हारी भी तो शादी हो रही है ना, तुम्हें भी बहुत बहुत मुबारक हो। जकी बता रहा था कि तुम्हारा दूल्हा बहुत ही खूबसूरत है ना जकी? हाँ ऐसा ही है। अब तुम थोड़ा खामोश हो जाओ नादरा, निकाह होने वाला है ना तुम्हारा। हो जाती हूँ, लेकिन खामोशी के बाद तूफान आता है पता है ना। नहीं, कि क्या मतलब, ये क्या बात की तुमने, क्या करने जा रही हो नादरा? खुदकुश हमला, बम धमाका। ये नादरा देख, मैं तेरे को बता रहा हूं अगर कुछ भी ऐसा। आइए आइए, मैं इसीलिए कह रही थी कि आप निकाह में शिरकत करके जाएंगी तो बहुत अच्छा लगेगा। चलो अरे मौलवी साहब, आइए मौलवी साहब। आई जी अम्मा, शुरू कराएं? बिस्मिल्लाह करो बेटा, बिस्मिल्लाह। ठीक मौलवी साहब, बिस्मिल्लाह करें। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाज़रा बिनते मुनीर अहमद, आपका निकाह शकील अहमद वल्द यकीन अहमद के साथ भाई बस 50,000 रुपये हक का महर किया जा रहा है, क्या आपको निकाह कबूल है? नाज़रा बेगम, क्या आपको निकाह कबूल है? नादरा बोलो बेटा, कबूल है? नहीं कबूल। कबूल नहीं है मुझे। नादरा मजाक नहीं करते बेटा, ऐसे ही कह रही है ये, आप फिर से पूछ लें। जितनी दफा भी पूछेंगे ना मैं यही कहूंगी, नहीं करना निकाह मुझे। बेटा चलो अपने अब्बू को कहो कि तुम्हारे लिए कोई दूसरी माँ ढूंढ ले, मैं नहीं करने वाली। चलो शाबाश, निकलो जाओ। नादरा ये क्या कह रही हो तुम? देख नहीं रही हो तुम्हारी अम्मी की क्या हालत हो रही है? परेशान हो रही है ना ये? देख रही हूँ, लेकिन सारी जिंदगी परेशान होने से बेहतर ये नहीं है कि ये आज ही परेशान हो जाए। नादरा क्या कर रही हो तुम? खानदान की इज्जत ही रख लो, लोग क्या क्या बातें बनाएंगे। तुम्हें मैंने कहा था कि मुझे नहीं करनी है शादी,
तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब भुगतो। और हाँ, ये भी याद रखना कि मैं लड़की हूँ, बंदरिया नहीं हूँ जो तुम्हारे इशारों पे नाचूंगी। आइंदा नहीं कहना मुझे शादी के लिए, समझे? मौली साहब, आइए मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ। आप सब भी आइए, थोड़ा सा ना मैं हम वहाँ चलते हैं, आप चाय शाय पिए। हाजरा, ये क्या तमाशा है? अच्छा, बाहर आके मेरी बात सुनो। ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? मैंने कोई जुल्म नहीं किया। वो सही कह रहा था, लोग बातें बनाएंगे। बनाने दो बातें लोगों को, मेरी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। तुमने सबके सामने इनकार कर दिया। तो निकाह भी तो सबके सामने ही होता है ना। अस्मिया चलो। तुम्हें डर नहीं लगता कि लोग क्या कहेंगे? मैं क्यों डरूं, जब मुझे पता है कि जो मैं कर रही हूँ वो मैं ठीक कर रही हूँ। अस्मिया तुम सुन नहीं रही हो बेटा, चलो हमें देर हो रही है ना, चलो। हाँ आंटी, मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। चलो बेटा। ए नादरा, ए हाथ नहीं उठाना मेरे ऊपर, समझ आई? मैं तेरे को मुंह नहीं लगाना चाह रहा, हाथ लगाने की बात करती है। आज मेरे को समझ आई है नादरा कि क्यों लड़की की पैदाइश पे लोग मातम किया करते थे। तुम लोग मुझ पे दबाव डाल रहे थे, मेरे पास कोई और चारा ही नहीं था। मैं अम्मा की खातिर शादी कर भी लेती तो अम्मा की मुश्किलें आसान तो नहीं होती ना। मैंने तेरे को बोला ना नादरा, बकवास नहीं सुननी मैंने तेरी इस वक्त। हाँ, मैं जबरदस्ती शादी कर लूं ताकि सारी जिंदगी खुश ना रहूं और रोती रहूं। अबे क्या खुशी खुशी लगा रखी है तूने? कौन खुश है तेरे आसपास? मैं खुश नजर आ रहा हूँ तुझे? अम्मा खुश नजर आ रही है? ये अड़ोस पड़ोस कौन खुश है? पान वाला खुश है, चाय वाला खुश है? ए खुशी सब कुछ नहीं होती नादरा, समझौता करना पड़ता है। तेरी खुशी के चक्कर में तूने मारी इज्जत की ऐसी पैसी फेर दी। बस कर दे सकी, बस कर दे। जब इसने मेरी इज्जत का ख्याल नहीं किया, कोई फायदा नहीं। अम्मा, मैंने आपका ही तो सोच के मना किया है। अगर सारी जिंदगी ना खुश ही रहना है तो शादी के बगैर ना खुश रहना बेहतर नहीं है? क्या कहना चाह रही है तुम? अब सारी जिंदगी तू शादी नहीं करेगी? हाँ, मैंने मोहर लगा दी अपनी किस्मत पे। मेरे लिए तो ऐसे ही रिश्ते आ रहे थे ना, इसीलिए मुझे करनी नहीं है शादी, नहीं करनी। बड़ी बेवकूफी कर रही है तू नादरा, बहुत पछताएगी तू, मैं बता रहा हूँ तेरे को। अरे पछताना तो था ही ना। वो कहते हैं ना, शादी के लड्डू तो ऐसे ही होते हैं, जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। तो मैं ना खा के पछताना चाहती हूँ, और ये मेरा फाइनल फैसला है, सुन रहे हो ना? कर लो जो करना है। बस करो ना बेटा, मत परेशान हो, भूल जाओ। वो तो बेकार की बातें कर रही थी। कौन बेकार की बातें कर रही थी? बेटा तुम कब आए? अभी थोड़ी देर पहले आया था, हसन के साथ रूम में बैठा हुआ था उसके। आप दोनों कहाँ घूमते फिर रहे हैं भाई, मैं कब से वेट कर रहा हूँ। सॉरी बेटा, गलती हो गई। तुम्हें बताया था ना, एक्चुअली हमें एक शादी पे जाना था जहाँ शायद हमें जाना नहीं चाहिए था। तुम्हें पता है, जिस लड़की की शादी थी उस लड़की ने ऐन निकाह के वक्त इनकार कर दिया। What? Really? हाँ बेटा, अचानक से ही ना अजीब सा माहौल हो गया था।
और फिर उस लड़की ने सबके सामने इतनी बदतमीजी की, इसी की इज्जत का ख्याल नहीं किया उसने, और फिर मजे से कहने लगी कि इनकार करना तो मेरा हक है, सो मैं करूंगी। अब ये भी कोई बात हुई? Very strange. तुम क्या सोच रही हो, कहीं तुम भी निकाह के एन वक्त इनकार करने की प्लानिंग तो नहीं कर रही? अल्लाह ना करे बेटा, ऐसा क्यों कह रहे हो? अजमिया ऐसा क्यों करेगी? बस कर दे खाला, बहुत नखरे हैं भाई इनके, वक्त नहीं होता इनके पास मेरे लिए। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। सलीमा कैसी है बेटा? आई थिंक ठीक ही होंगी। आप यहां रुके, मैं बाजी को बुलाती हूँ। आंटी। वालेकुम अस्सलाम। आंटी बस मैं ये देने आया था। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, तुम रख लो इसे। नहीं नहीं आंटी, इसको कैसे रख सकते हैं, आपने नादरा की शादी के लिए दिए थे, शादी तो हुई नहीं, तो ये रख लें आप। हाँ तो खर्चा तो हुआ होगा ना, तुम्हें जरूरत होगी, रख लो। अब ऐसी बात भी नहीं आंटी, इतना खर्चा उठा सकता हूँ मैं, आप ये रख लें, बहुत मेहरबानी है आपकी, थैंक यू। अच्छा अम्मी कैसी है, ठीक है ना? क्या करें आंटी, ठीक ही हैं। हाय बेचारी हाजरा, अल्लाह किसी दुश्मन को भी ना ऐसा दिन ना दिखाए। लेकिन तुम लोगों को भी नादरा से पूछ के रिश्ता तय करना चाहिए था ना। ठीक कह रही हैं आंटी, बस क्या हो सकता अब, चले मेरे को इजाजत दें, चलता हूँ। अम्मी ये आई गया है तो मैं अपना ब्लैक वाला सूट दे दूं इसे, वो आस्तीन से थोड़ी फिटिंग का मसला है। बेटा आज रहने तो अच्छा नहीं लगता, और फिर हमें कौन सी जल्दी है, दो चार दिन बाद दे देंगे। आप कोई बात नहीं आंटी, मैं ले लेता हूँ सूट, अच्छी बात है, काम तो करना ही है, काम में दिल लगा रहे। ठीक है दे दो फिर। रुको मैं लेकर आती हूँ। कपड़े? इनकार या इकरार तो सब कर सकते हैं, अगर नादरा ने कर दिया तो क्या हुआ? कर सकती हैं, लेकिन कम से कम उसको इस तरह निकाह पे तो इनकार नहीं करना चाहिए था ना। क्या पता उसने तुम सबको समझाने की कोशिश की हो और तुम सबने उसकी बात ना सुनी हो। जो बात तुम मुझे समझाना चाह रहे थे वो नादरा मुझसे ज्यादा बेहतर समझिए, तो इसका मतलब ये कि नादरा मुझसे ज्यादा समझदार। तुम्हें उसकी बात सही लगी? जो बात तुम मुझे फरदीन के बारे में समझा रहे थे, अगर वो सही है तो ये भी सही है, वरना दोनों गलत। अपनी अम्मी को मेरी तरफ से पूछना। हाँ कपड़े तो लाओ। कपड़े तो नहीं है, तो मैंने ऐसे ही कह दिया था। मतलब बस मुझसे बात करनी थी? हाँ मुझे अफसोस हो रहा था बेचारी। कौन बेचारी, नादरा या अम्मा? दोनों। और मैं? हाँ तुम भी, मतलब ये बहुत टफ होगा ना तुम सबके लिए। तो
मैंने सोचा कि क्यों ना मैं तुम्हें तुम्हारी बात याद दिलाऊं। शायद तुम बेहतर फील करो। अब जाओ। धोने वाले सारे कपड़े निकाल के मैंने वो सामने रखे हुए, जाओ जाके धो लो। जी। सलामुलेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? तुम्हें देख के दिल इतना खुश हो जाता है कि खैरियत का क्या कहना। क्या बात है आपकी खाला? बाहर है, बुलाती हूँ मैं उसे। हरगिज नहीं, कोई जरूरत नहीं उसको बुलाने की। मैं तो आपसे मिलने आया था, आपसे छोटे से काम की इजाजत लेनी थी बस। किस बात की खाला? वो मैं उज़्मी को बस यही पास में बहुत करीब में लंच पे ले जाऊं अकेले। अच्छा, उज़्मी को लंच पे लेके जा रहे हो और मुझे नहीं? अरे आपकी टर्न कल, बल्कि काम करता हूँ, आपको मैं आज रात ही डिनर पे ले जाता हूँ। अभी उज़्मी को ले जाने देना लंच पे प्लीज। हाँ लेकिन पता नहीं हसन क्या कहेगा। अरे हसन से मैं बात कर लूंगा, डोंट वरी। बल्कि आपकी मैं मम्मी से बात करा देता हूँ, आपको तसल्ली हो जाएगी। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, ले जाओ बाबा। थैंक यू। लेकिन जल्दी ले आना, उसका अपॉइंटमेंट है। आप भी खाला क्या सोच के बातें बनाती हैं, अपॉइंटमेंट उसका कौन सा अपॉइंटमेंट होगा? उसमें ये पौधों को पानी देना बंद करो और जाके तैयार हो, हम दोनों लंच पे जा रहे हैं। लंच पे? अम्मी ने हाँ कर दी? जी हाँ, पूछ लिया और इजाजत मिल गई है। वैसे मेरी समझ में नहीं आ रहा, 3 दिन बाद हमारी शादी है और तुम्हारे घर वाले इस तरह बिहेव कर रहे हैं जैसे हम दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी हो। अच्छा जाओ तैयार हो, टाइम कम है। मगर हम जा कहाँ रहे हैं? बताया तो सही, लंच पे। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि तुम कहीं और जाना चाह रही हो? नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। मैम मे आई? मैं आपका कजन जिसे आप बचपन से जानते हैं और 3 दिन बाद मैं आपका पक्का पक्का शौहर बनने वाला हूं। सो डू यू ट्रस्ट मी? यस। देन प्लीज गो गेट रेडी, जल्दी से आके तैयार हो क्योंकि टाइम कम है। ओके वेट कर रहा हूं।